गुजरात के आखिरी छोर जहां से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमाएं लगती हैं, उस इलाके की जनता क्या सोचती है एग्जिट पोल के बारे में। इस वक्त हम खड़े हैं छोटा उदयपुर में और छोटा उदयपुर की जनता एग्जिट पोल के बारे में क्या सोचती है ये यहां की जनता से ही पूछते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कैसे देखते हैं आप लोग? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस वाले ये सोच रहे थे कि हम विकास पागल हो गया है करके जो भाजपा की सरकार है उसको गिरा देंगे, लेकिन आम जनता, हर एक आम जनता यही चाहती है, नरेंद्र मोदी जी को चाहती है और 150 प्लस सीट लेकर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी सीटों से जीत रही है। बहुत बड़ी सीटों से जीत रही है। सारे टेलीविजन चैनल ये कह रहे हैं कि लगभग औसत के रूप में 110 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और सरकार बना रही है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ गुजरात के इन कार्यकर्ताओं का और गुजरात की जनता का खूब खूब धन्यवाद। आपने भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया और मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार की और मोदी सरकार की या आप यहाँ के आम जनता हैं, ये बताइए कि अब सरकार बन रही है आप भारतीय जनता पार्टी की, ये ऐसा बता रहे टीवी चैनल। 110% ये यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और उसके अंदर हमारी छोटाउदेपुर की 111वीं सीट छोटाउदेपुर की होगी। ये छोटाउदेपुर की सीट हमारी विन होगी और जो एग्जिट पोल बता रहे उसके अंदर 100% भारतीय जनता पार्टी विन होगी। कांग्रेस का जो मुद्दा था विकास गांडो छे वो खत्म हो गया और यहाँ की जनता ने वोट किया है उसके खिलाफ, आप क्या मानते हो? हमारे छोटाउदेपुर जिले में 3 विधानसभा है, तीन विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की और ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तीनों सीटें जीतेंगी। आप ये बताइए कि जिस तरह से जो मुद्दे थे कांग्रेस के वो मुद्दे क्या खत्म हो गए, वो मुद्दे थे ही नहीं वाकई? कांग्रेस ने जो मुद्दा लिया था हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश का, इन तीनों ने जो कांग्रेस को सपोर्ट किया वही बीजेपी जीत गई। बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा राज इन तीनों ने पहले बोला हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, उन्होंने आम जनता को बेवकूफ बनाया, यही कांग्रेस की हार का नतीजा है। आप बताओ कि ये जो जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक, ये मुद्दे खत्म हो गए? खत्म हो गए और हार्दिक जी तो अब 18 तारीख के बाद पता चलेगा कि वो कहाँ पे हो गए, उसको ढूंढना पड़ेगा। और पाटीदार, हम भी पाटीदार है, अभी कोई अनामत आंदोलन कोई जोगवाई नहीं है, गुजरात सरकार में कोई जोगवाई नहीं है अनामत मिलेगा, वो कांग्रेस की एक चाल थी और कांग्रेस ने एक पैसा दे के एजेंट खड़ा किया था।